आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र का पहरेदार फिर एक सच्ची खबर और दहला देने वाली खबर सामने आई है जम्मू में रहने वाली युवती पंद्रह वर्षीय नाबालिग है उसके साथ संतोष कुमार सतनामी नाम का युवक जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है आज से चार महीने पहले उस लड़की को बहला फुसलाकर उसने उसका रेप किया जिसके बाद वो लड़की की चार महीने के बाद तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों को दिखाने के बाद उसके परिवार को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं वो पेट से है उसके बाद परिवार परेशान हुआ और मामला पुलिस के पास पहुंचा इन दिनों संतोष कुमार सतनामी जो है वो त्रिकुटा नगर में रह रहा था पुलिस प्रशासन ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया लेकिन सवाल ये कि आखिरकार जम्मू के अंदर ये वारदातें लगातार बढ़ती क्यों जा रही पंद्रह वर्षीय नाबालिग लड़की जम्मू की जो रहने वाली थी जम्मू की रहने वाली नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज पंद्रह साल थी उसे बेहला फुसलाकर संतोष ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद चार महीने के बाद उसके परिवार को ये पता चलता है मामला तो पुलिस के पास पहुंच गया लेकिन अब सवाल ये हैं कि जम्मू में ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ क्यों रही हैं कभी विजयपुर में कभी जम्मू में कभी तरकुटा नगर में अलग अलग जगहों से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं यहाँ पर परिवार की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों पर वो जिकी अपने बच्चों पर वो ध्यान रखें ताकि उनके बच्चे आखिरकार कर क्या रहें वो किन लोगों के संपर्क में है वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से किसी गलत इंसान के हत्ते तो नहीं चढ़ गए बहरहाल जो भी हुआ हो लेकिन घटना शर्मशार कर देने वाली है जम्मू की इस घटना ने झकझोड़ के रख दिया है सबको पंद्रह की नाबालिग लड़की का उसे बेहला फुसलाकर संतोष द्वारा दुष्कर्म करना और उसके बाद दुष्कर्म करना और उसके बाद ये घटना जब सामने आती है उस परिवार की इस वक्त क्या स्थिति होगी उस परिवार की इस वक्त हालात क्या होंगे उस परिवार की इस वक्त हालत क्या होगी कितना परेशान होगा कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को अपने परिवार के बच्चों के ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत है और ऐसे शातिर अपराधियों से जो संतोष जैसे छात्र अपराधी हैं जिनका उन बच्चियों पर ध्यान रहता है नजर रहता है जिनके माँ बाप शायद उन पर ध्यान कम देते हैं इसीलिए इस संतोष ने उसे बहला फुसला उसके साथ दुष्कर्म किया और चार महीने के बाद जब वो प्रेगनेंट हुई तो आज उसके परिवार को ये पता चला जम्मू में जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन को तो सतर्क होना ही होगा साथ के साथ परिवार के लोगों को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना होगा अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ध्यान देना होगा वह आखिरकार अपने मोबाइल का अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया से किसी गलत आदमी के संपर्क में तो नहीं है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है तो ये जम्मू की घटना है जिसमें पंद्रह वर्षीय के साथ संतोष कुमार नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसे बेहसला बहला फुसला कर और वो अब चार महीने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके परिवार के लोगों को ये पता चला कि वो पेट से है वो प्रेग्नेंट है उसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंच गया अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इसके बाद कोई ऐसी घटना सामने ना आए इस पर ध्यान देना इसके ऊपर सोचना ज़रूरी है तो ये खबर देखने के बाद सारे लोग अपने परिवार के बच्चों के ऊपर ध्यान जरूर रखें ताकि कोई आने वाले समय में ऐसी घटनाएं सामने ना आए आप देखते रहिए आरटीआई इंडिया न्यूज़ हर खबर और खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करें